और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। केजरीवाल को आज ईडी के दो समन्स भेजे गए हैं। एक शराब घोटाला मामले में समन्स भेजा गया है और एक दूसरा जल बोर्ड निगम से रिलेटेड ये इस पूरे मामले में समन्स जारी किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कल 18 मार्च को पेशी के लिए बुलाया गया है, वहीं शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज ईडी की तरफ से दो समन्स भेजे गए हैं। आपको याद होगा कल ही अरविंद केजरीवाल वहां पर गए थे, उसके बाद उन्हें जमानत मिली, फिर वो वहां से लौटते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज एक बार फिर से ईडी की तरफ से दो समन्स जारी किए गए हैं अरविंद केजरीवाल को। यानी कि मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में और इसके बाद अब जल बोर्ड घोटाला मामले में भी इनका नाम सामने आया है। अब आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं, इससे जुड़ी हुई क्या सामने आई है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को दो समन्स जारी हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दरअसल केजरीवाल को ईडी के समन्स का ये पूरा जो मामला है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में उनको समन भेजा गया है, 18 मार्च की तारीख दी गई है हाजिर होने के लिए। और आपको बता दें अभी तक 9 बार ऐसा मौका आया जब समन्स भेजा गया, लेकिन अभी तक वो किसी भी तारीख को इससे पहले दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अब ये देखिए उनकी मुश्किलें क्या यहाँ से और बढ़ने वाली हैं, ये भी सवाल है। वहीं केजरीवाल को ईडी के समन्स मामले में दिल्ली शराब घोटाला केस में समन्स की जो तारीख है वो 21 मार्च बताई जा रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अब इस वक्त दो दो मामलों में जूझते हुए नजर आएंगे और 21 मार्च तक उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। समन्स की तारीख क्या है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व, मिलिए माइकल आर पोम्पियो से। क्या है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर उनकी राय? दुनिया के मंच पर भारत उदय के बारे में क्या सोचते हैं पोम्पियो? ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स, 19 और 20 मार्च। ना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है।